मेरा सर ये नहीं है। हाँ अरे कहना क्या चाहते हो? नहीं अली भाई ये बोलना चाहता था, मेरा साथ अली भाई नहीं आया, मैं अली भाई का साथ आया। ये मेरा सर आया। ऐसा नहीं हो सकता। वाओ वेरी डेंजरस। तुमसे मिलके देखा है जो हाल क्या कहे, हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहे। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, क्या लगे सीरी सा लग रहा है दिल। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू एक्स माई अदर ब्लॉग। सो गाइस अभी मैं आ गया बड़ापानी उम्मीम लेक में, जो कि शिलोंग घुसने से पहले आपको मिलता है, और ये लेक आपको ये बताने की कोशिश करता है जो शिलोंग कितना खूबसूरत हो सकता है, और आपको वेलकम करने के लिए बैठे है। तो आप जब भी गुवाहाटी से आता है तो ये लेक आपको देखने को मिलेगा, और ये लेक का व्यू बहुत ही प्यारा है। तो फिलहाल तो मैं लेक में पहुंच गया, और ये लेक का पूरा वीडियो बनाकर आप लोग देखने की कोशिश करूँगा, लेक में क्या क्या मिलता है और कैसे कैसे आप लोग देख सकते हैं। और ये लेक देखने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं मेघालय कितना खूबसूरत हो सकता है, जो कि आपको रास्ते में मिलेगा। तो चलो एक बार उम्मीम लेक को आप लोगों को देखा लेते हैं। सो अभी देख सकते हैं ये उम्मीम लेक का एकदम ऊपर से जो मतलब रास्ता से जो नज़ारा दिखाई देता है, तो कुछ इस तरीके से लगता है, जो कि काफ़ी खूब बड़ा भी है। और इसमें नीचे आपको बोटिंग भी मिलेगा, जो कि अभी हम लोग जाएगा नीचे बोटिंग करेगा, ये भी आप लोगों को दिखाएगा। और एक बार रास्ता को देख लीजिए, आपको इधर पार्किंग भी सब कुछ अवेलेबल है, मतलब इधर आप पार्किंग कर सकते हैं, पार्किंग करके इधर आप खड़ा होकर दो चार फोटो भी ले सकते हैं और उसका मजा भी ले सकते हैं। अगर आप अच्छा से मजा लेना चाहते हैं तो आप नीचे जा सकते हैं, जो कि सामने की तरफ रास्ता है, उस तरफ जाके आप मजा इसका ले सकते हैं। तो चलो अभी हम लोग जाएगा सामने और जाके बोटिंग भी करेगा और आपको भी देखेगा। यहाँ पर एक पार्क भी मिल जाएगा, यहाँ पर एक पार्क मिल जाएगा, इसका नाम है नेहरू पार्क। तो यहाँ से भी बहुत ही अच्छा खूबसूरत व्यू मिलता है दिखने के लिए, और हम लोग यहाँ पर जाएंगे अभी ऑर्किड लेक रिजोर्ट में। तो आप सभी को ऑर्किड लेक रिजोर्ट में स्वागत करता हूँ। A few moments later, पहुंच गया बोटिंग करने के लिए पूरा बोटिंग सेंटर में। और इसमें दिक्कत यह आ गया था, जैसे कि हम लोग आया था चार आदमी, और चार आदमी का कोई बोटिंग नहीं है इसमें, तीन पर्सन का है, तो जो तीन पर्सन का आता है 472 था। तो हम लोग हो गया चार आदमी, तो चार आदमी का कोई बूट नहीं था, इसलिए हम लोग अंकल लोगों के साथ शेयर हो गया था। तो अभी हम लोग हो गया आठ आदमी, और आठ आदमी मिलकर हम लोग एक टू 10 पर्सन वाला बूट हम लोग बुकिंग कर लिया। तो इसका प्राइस हो गया 1180, जो कि 5 मिनट्स के लिए। तो अभी हम लोग अंकल लोगों के साथ शेयर हो गया था, और एक बार आप लोगों को देखा था मैं किसका साथ आया था। तो अभी देख सकते हैं मेरे साथ है, ये भाई भी है मेरे साथ, और फिर और अली भाई भी मेरे साथ आया है। और ये मेरा सर ये नहीं है। हाँ अरे कहना क्या चाहते हो? नहीं अली भाई ये बोलना चाहता था, मेरा साथ अली भाई नहीं आया, मैं अली भाई का साथ आया। ये मेरा सर आया। ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। तो ठीक है, मैं अली भाई के साथ ही आया। तो मैं तो ऐसे ही बैठा ही था, अली भाई लेके आया मुझे, और अली भाई का एक दोस्त भी है अभी, तो अभी से मेरा भी दोस्त है। तो वो क्या, हम लोग चार आदमी, और जिन लोगों से शेयर हुआ उन लोगों से आप बुटिंग में मिलेगा। तो अभी हम लोग आठ लोग हो गया, और आठ लोग हो गया 10 पर्सन वाला बुटिंग हम लोग शेयर किया। तो अगर आप लोग भी इधर रहते हैं ना, अगर कम पर्सन है तो आप भी ऐसा कर सकते हैं शेयरिंग में। तो शेयरिंग में आपका क्या होगा ना, खर्चा भी कम होगा, तो आराम से आप लोग बुटिंग भी कर सकते हैं, मज़ा भी ले सकते हैं। तो हम लोग तो ऐसे शेयर हो गया, तो चलो अभी सीधा आप लोगों से बुटिंग से मिलते हैं। बुटिंग करने के लिए नीचे जा रहे हैं, और अंकल लोगों का जो शेयर होता है, अंकल लोग बहुत पहले जा चुके हैं, तो अभी हम लोग जा रहे हैं। तो ये देख सकते हैं बुटिंग सेंटर है, जो कि अभी इधर से हम लोग को बुटिंग मिलेगा। तो बुटिंग है ओनली हम लोग को 5 मिनट्स के लिए मिलेगा, जो कि हम लोग 1000 से दिया था। तो सिर्फ 5 मिनट्स से हम लोग बुटिंग करेगा, टाइम काफ़ी शॉर्ट है, और मुझे लगता है 5 मिनट्स में हम लोग काफ़ी जा सकता है, क्योंकि वो स्पीड बोट है, तो स्पीड बोट में हम लोग काफ़ी दूर तक जाएगा और आप लोगों को भी देखेगा। अंकल जी सुलग में कैसा लग रहा है? बढ़िया है, ओह
भाई यार, यार ये कितनी औसम है यार। आप लोग देखिए, अंकल जी भी चेन्नई से आया तो आप लोग भी आ सकते हैं, और शिलम में एंट्री करने का टाइम आपको ये व्यू मिला जैसे कि मैं पहले ही बताया था, और आप लोग भी आ सकते हैं। छोटा सा छोटी सी आशा मस्ती भरे मन, देख देख भर, और अभी देख के गए जस्ट वाओ। से मिल के देखा है जो हाल क्या कहे, हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहे। जिस भाई का साथ गया था शेयरिंग में और अंकल लोग भी था, तो ये दस्ता है हम लोग का भाई है जो कि चेन्नई से, चेन्नई से ना। हाँ चेन्नई से। तो भैया चेन्नई से आया और शिलम भी घुमाए, तो भाई का पूछता है शिलम कैसा लगा। भैया शिलम कैसा लगा घूमने आपका? बहुत अच्छा था। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। क्या लगे सीरीज सा लग रहा है दिल गार्डन का राइड है, बट लेकिन वेरी अच्छा है। तो इतना भी कॉस्टली नहीं है ना? हाँ कॉस्टली भी नहीं है। झूठ बोलो बार बार, झूठ बोलो। तो ये 5 मिनट्स का था, लेकिन अगर आप अकेले होता ना तो कॉस्टली हो जाता, क्योंकि हम लोग शेयरिंग हो गया इसलिए इतना नहीं लगा, तो कॉस्टली भी नहीं था। और पैसे मिलकर भी बहुत अच्छा लगा भाई। फिर शिलंग जा रहे हैं, शिलंग चढ़ के जा रहे हैं, तो पैसे हम लोग तो भी मिलेंगे। इस जगह का व्यू देखिए काफी खूबसूरत लग रहा है, मतलब जो पूरा नीचे का व्यू है आप लोग देख सकते हैं, तो इसमें से ना आपको पूरा लेक दिखाई देगा, और नीचे हो रहा है बोटिंग, तो आप ये भी देख सकते हैं। हम लोग विजिट करने के बाद अभी हम लोग शिलोंग में जा रहा था, और शिलोंग जाने का टाइम सोचा हम पहले वीडियो को एंड कर लेते हैं, तो फिलहाल तो हम लोग उमियम लेक में खड़े हैं, तो इधर ही वीडियो को एंड कर लेते हैं। और इससे पहले भाई लोगों को पूछते हैं आज का, अभी भाई लोगों को पूछते हैं आज उमियम लेक में कैसा लगा, जैसे कि हम लोग बूटे वूटे किया, बहुत सारा एंजॉय भी था, कैसा लगा? तो सबसे पहले आपका बारी है भाई। और अली भाई बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है, तो हम लोग तो अच्छा लगा, आशा करता हूँ गाइस आप लोगों को अच्छा लगा है। गाइस बाय बाय, लाइक कमेंट शेयर। तो गाइस हम लोगों को अच्छा लगा, तो आशा करता हूँ आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, तो अगर अच्छा लगता है तो इस चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और हम लोग फिर मिलेंगे न्यू ब्लॉग्स में न्यू लोकेशन, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।